नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। और सबसे पहली खबर स्पीकर के चुनाव को लेकर। 18वीं लोकसभा के स्पीकर का आज चुनाव होगा। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए ये चुनाव कराया जाएगा। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से बीजेपी के सांसद ओम बिरला उम्मीदवार हैं, वहीं इंडी गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद के सुरेश उम्मीदवार हैं। आज सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी और लोकसभा में संख्या बल सत्ता पक्ष एनडीए के ही पक्ष में है। तो ओम बिरला और के सुरेश के बीच का ये मुकाबला रखेगा, जहां पर फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा। आज लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होगा, कौन लोकसभा का स्पीकर होगा। हालांकि सीनियोरिटी के हिसाब से ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया गया है एनडीए गठबंधन की तरफ से, और इंडी गठबंधन जिनकी तरफ से के सुरेश को अपना कैंडिडेट घोषित किया गया है। अब ऐसे में दोनों में से स्पीकर को लेकर फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा और लोकसभा के स्पीकर का आज चुनाव होगा। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ओम बिरला पहली तस्वीर एनडीए के उम्मीदवार और दूसरी तस्वीर के सुरेश विपक्ष के उम्मीदवार हैं। जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, जब कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे, उस दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। लोकसभा स्पीकर को लेकर एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन आज आपको देखने को मिलने वाला है। तो आज फ्लोर टेस्ट होगा और ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जब लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव हो रहा हो, लोकसभा स्पीकर के लिए फ्लोर टेस्ट करवाया जा रहा हो। आमतौर पर सहमति के साथ ही, जब आपसी सहमति बनती है उसके साथ ही लोकसभा स्पीकर का चुनाव कर लिया जाता था, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि यहाँ पर मांग ये उठाई गई कि अगर ओम बिरला को स्पीकर बनाया जाता है तो विपक्ष को डिप्टी स्पीकर दिया जाए। ये मांग विपक्ष ने उठाई, लेकिन जब इस पर सत्ता पक्ष की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो उसके बाद अपने अपने कैंडिडेट दोनों की तरफ से घोषित कर दिए गए। अब देखना आज ये होगा कि फ्लोर टेस्ट में कौन लोकसभा स्पीकर बनता है। चलिए सीधा रुक करते हैं, विनीत दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। विनीत, इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है कि जब लोकसभा स्पीकर के नाम को लेकर सहमति नहीं बन पाई और दोनों तरफ से अब अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हैं। कितने बजे के आसपास आज संसद में ये फ्लोर टेस्ट होगा, क्या जानकारी खबर को लेकर? आज ये सीनम निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 11 बजे जो है वो सदन की कार्रवाई शुरू होगी और 11 बजे ही प्रस्ताव रखे जाएंगे। सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री प्रस्ताव रखेंगे ओम बिरला के समर्थन में, इसके साथ ही साथ जो अन्य सांसद हैं वो भी प्रस्ताव रखेंगे। विपक्षी पार्टी भी जो है वो अपने जो उम्मीदवार है उनके समर्थन में प्रस्ताव रखेंगे। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 11 बजे ही वोटिंग शुरू हो जाएगी और वोटिंग प्रक्रिया जब खत्म हो जाएगी उसके बाद जो है वोटिंग वोटों की गिनती होगी और उसके बाद ही जो है वो तय हो जाएगा कि आखिरकार कौन होगा 18वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन जिस तरह से अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े जो है वो एनडीए के समर्थन में है, 292 का आंकड़ा जो है वो एनडीए के समर्थन में है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी की ओर से या एनडीए की ओर से लगातार यह कोशिश की जा रही है कि अन्य जो दल हैं जो न तो विपक्षी गठबंधन के हिस्सा थे न ही एनडीए के हिस्सा थे उनसे बात की जाए। इसमें वाईएसआर कांग्रेस का नाम काफी प्रमुखता से है और अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार वाईएसआर कांग्रेस जो है वो एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला को जो है वो अपना समर्थन दे सकती है। इसके साथ ही साथ बीजेडी के साथ भी बातचीत हो रही है और प्रयास यह किया जा रहा है कि बीजेडी में जो है वो एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला को अपना समर्थन दे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो निर्दलीय सांसद हैं उनसे भी बीजेपी के जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हो जा रहा है बात है कि जो टीएमसी का रुख क्या होगा इसको लेकर के यहां पर देखने वाली बात है। क्योंकि अगर हम देखें कि कल जिस तरह से टीएमसी में की ओर से यह बयान आया और टीएमसी ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारा है उससे पहले टीएमसी से बातचीत नहीं की गई। हालांकि अब यह जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के साथ बातचीत की है और उन्हें मनाने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी टीएमसी ने अपना रुख जो है वो साफ नहीं किया है। एक बात तय है कि अगर टीएमसी या तो ओम बिरला के समर्थन में
अपना वोट करेगी या फिर विपक्ष का जो उम्मीदवार है वह के सुरेश उनके समर्थन में अपना वोट करेगी, या फिर टीएमसी के पास एक विकल्प यह भी हो सकता है कि वो पूरे प्रक्रिया से एब्सटेन कर ले, वो अनुपस्थित रह सकती है। और इसका फायदा निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा जो है वो एनडीए के उम्मीदवार को होगा, क्योंकि विपक्षी और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें जिस तरह से विपक्षी पार्टियां अपनी एकजुटता की बात कर रही थी उसकी भी हवा निकल सकती है। लेकिन अब यह देखना होगा कि टीएमसी का आखिरकार क्या रुख रहता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस जो चुनाव होगा लोकसभा अध्यक्ष को लेकर के जो चुनाव होगा उसमें साफ है कि ओम बिरला की जीत जो है वो लगभग निश्चित है। लेकिन यहां पर जो बीजेपी के लोग हैं या फिर विपक्षी के लोग हैं उनकी यह कोशिश है कि वो अपने आंकड़ों को अधिक से अधिक बताएं ताकि जो मनोवैज्ञानिक दबाव है वो एक दूसरे पर डाला जा सके। अगर एनडीए के उम्मीदवार को 292 से अधिक संख्या में वोट मिलते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी विनीत, आप नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं राहुल।